हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ नवरात्र स्पेशल रेसिपी। इस रेसिपी को आप नवरात्र ही नहीं किसी भी व्रत में खा सकते हैं, और तो और आप बिना व्रत के भी इसे खाना बहुत पसंद करेंगे। तो इसे बनाने के लिए हमने 4 आलू लिए हैं, और ये आलू मीडियम साइज़ के हैं। आप इसके लिए बड़ा आलू भी इस्तेमाल कर सकते हैं और छोटे आलू से भी ये रेसिपी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो सभी आलूओं को सबसे पहले हम धुल लेंगे, उसके बाद छील करके इन्हें तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर सभी आलूओं को हमने छील करके तैयार कर लिया है, अब इन्हें वॉश कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा वॉश नहीं करना है, बस एक पानी से इन्हें वॉश करके ले लेंगे अभी। तो दोस्तों, रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर रेसिपी पसंद आए या वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट करने से हमें बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिलता है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, आलूओं को हमने धुल लिया है और अब आती है बारी इन्हें कट करने की। तो एक चाकू लेंगे हम और उसकी हेल्प से इन्हें लंबाई में कट करके ले लेंगे। तो जैसे हम लोग बैंगन वगैरह में लंबाई में कट करके आलू डालते हैं, सेम ऐसे ही कट करके लेना है। ऐसे आलू कट करने पे बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगते हैं, और लंबाई में होंगे तो बड़े बड़े पीस एक साथ में उठने को आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए हम सभी आलूओं को ऐसे कट करके ले लेंगे। बहुत ज़्यादा पीस बड़ा भी नहीं रखना, मतलब मोटा भी नहीं रखना है कि पकने में दिक्कत आए, या फिर बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है कि मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पर हम बराबर पीसेस में इसे कट करके ले लेंगे। तो रेडी है आलू कट करके, अब इन्हें एक बार फिर से पानी में डाल करके वॉश कर लेंगे, अच्छे तरीके से धुल लेंगे। बस एक ही पानी से वॉश करना है, और उसके बाद ले लेना है एक ऐसा बर्तन जिसको हम गैस पे चढ़ा सकें। तो एक भगोना लिया है मैंने, और इन आलुओं को इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। इन आलुओं में एक गिलास पानी डाल देंगे और इसे आँच पर रख देंगे। आइए चलते हैं गैस की तरफ। गैस ऑन करेंगे और मीडियम से लो फ्लेम पर इसको हम चढ़ा देंगे बॉयल होने के लिए। तो यहाँ पर आलू को हमें बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, मतलब इसको सिर्फ 50% तक ही हमको कुक करना है। ध्यान रखिएगा 50% ही कुक करना है, क्योंकि बाकी का आलू हम अलग तरीके से पकाएंगे। तो ढक देंगे इससे और पकने को छोड़ देंगे, और 5 से 7 मिनट में ही आलू 50% तक पक जाएगा। लेकिन फिर भी हम इसे एक बार चेक कर लेंगे। तो आप चेक करके देखेंगे तो चाकू आसानी से नहीं घुस रहा होगा, तो मतलब बस इतना ही हमें पकाना है। बहुत ज़्यादा ओवर कुक इसे नहीं करना है, सिर्फ 50% आलू हमको कुक करना है। तो इसे ड्रेन आउट कर लेते हैं, पानी इसका निकाल देते हैं। तो एक छन्नी रखेंगे, मतलब स्ट्रेनर, और उस स्ट्रेनर की हेल्प से हम इसका पानी रिमूव कर देंगे। अब आज की व्रत वाली रेसिपी के लिए फ्रेंड्स, जो दूसरा महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है वो है साबूदाना। तो साबूदाना आप फ्रेंड्स कोई भी ले लीजिए, बड़े दाने या छोटे दाने, कैसा भी चलेगा, बस साबूदाना लेना है 1/2 कप। अब इन साबूदाना का क्या करना है, हमको रोस्ट कर लेना है हल्का सा। तो साबूदाना को हमको धुल करके नहीं लेना, हल्का सा पोंछ लीजिए किसी कॉटन के कपड़े से। उसके बाद में इसे कढ़ाई में डाल दीजिए। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रहेगा, और लो फ्लेम पर इसे हमें हल्का सा भून लेना है। मतलब इसका कलर चेंज नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये क्रिस्पी सा हो जाएगा। तो बस लो फ्लेम पर हम इसे लगातार चलाते हुए थोड़ा क्रिस्पी सा कर लेते हैं, मतलब रोस्ट लेते हैं। तो जब लगातार चलाते हुए हम इन्हें रोस्ट करते हैं तो बहुत जल्दी ये रोस्ट हो जाते हैं, और इसके बाद जब खनखनाहट सी बढ़िया आवाज आने लगे, और आप इसे चेक कर लीजिए, फोड़ के देखेंगे तो ये बढ़िया आसानी से टूट जाएगा। तो बस इसे हम बाहर निकाल लेंगे। इस साबूदाना को हल्का नॉर्मल कर लेंगे, जब ये हल्का ठंडा हो जाएगा तब हम इसे डाल देंगे ग्राइंडर जार में। और ग्राइंडर जार में डालने के बाद में इसका हमको एक पाउडर बना लेना है बढ़िया सा। तो जितना फाइन पाउडर आप बना सकते हैं उतना फाइन पाउडर इसका बना करके तैयार कर लीजिए। अब साबूदाना का पाउडर बन करके तैयार है फ्रेंड्स। देखिए बहुत ज़्यादा फाइन नहीं है, लेकिन जितना महीन हो सका है हमने महीन कर लिया है। तो अब इसे निकाल लेते हैं दूसरे बर्तन में। अब इस बाउल में हम आधा साबूदाना का पाउडर डालेंगे, आधा अभी बचा करके रखेंगे, और इसमें डाल देंगे सेंधा नमक। तो जिस हिसाब से आपको नमकीन पसंद हो सेंधा नमक डाल लीजिए, और इसके बाद में जीरा वाला पाउडर डाल देंगे। आप चाहें तो साबुत जीरा भी डाल सकते हैं। तो अब इसमें पानी डाल देंगे और इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। अब इस साबूदाना में हमने 1/2 कप पूरा पानी डाल दिया है, और 1/2 कप पानी डालने के बाद में इसे छोड़ देंगे रेस्ट पे 10 मिनट, और 10 मिनट बाद ये अच्छे से मेल्ट हो चुका होगा। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए ऐसी हो जाएगी, ये एक बढ़िया सा पेस्ट बन गया है। तो अभी ये ज़्यादा थिक है, हमें इतना थिक नहीं चाहिए। इसमें डाल देंगे थोड़ा पानी और इसे थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसकी कंसिस्टेंसी छाछ जैसी है, जैसे छाछ होता है, इसकी हल्की सी कोटिंग आ रही है चम्मच पर, बस ऐसे ही हमको कंसिस्टेंसी करके इसको लेना है। तो बस इसमें डाल देते हैं सारे आलू जो हमने पहले से रखे हुए थे। अब अच्छे तरीके से आलूओं को साबूदाना के पेस्ट में हम टॉस कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से।
अब अगला स्टेप क्या है फ्रेंड्स, अब इन आलुओं को ऐसे निकालने के बाद सीधे हमें डाल देना है उस बचे हुए साबूदाना में जो हमने पहले से बचा करके रखा था। तो इसको एक प्लेट में रखेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी। तो सारे ही आलुओं को एक ही बार में निकाल लेना है और इस प्लेट में डाल देना है। तो उस साबूदाना के पाउडर में हम डाल देंगे इसे और अच्छी तरीके से फिर से इसे घुमा घुमा कर हम आलू में टॉस कर लेंगे, मतलब साबूदाने के पाउडर को इन आलुओं के ऊपर लगा लेंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा लजीज और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी आलू बन करके तैयार होते हैं। तो फिंगर चिप्स वगैरह के अगर आप शौकीन हैं तो इस तरीके से ये वाली रेसिपी बना के देखिए। तो व्रत तो क्या, जो लोग व्रत नहीं भी हैं वो लोग भी इसे खाना बहुत पसंद करेंगे। तो साबूदाने के पाउडर को हमने इस पे डाल लिया है आलू पे। अभी भी जो साबूदाना का पाउडर बचा हुआ है उसे हाथों से मिक्स नहीं करना है। यहाँ पे ये स्टेप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसे हम हाथों से मिक्स नहीं करेंगे, ऐसे किसी बर्तन में ऐसे उछाल करके ऐसे टॉस कर लेंगे, क्योंकि अगर हम हाथ लगाएंगे तो ये छूटने लगेगा। तो इस तरीके से टॉस कर लेंगे सबको और इसके बाद इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे। और 10 मिनट के बाद ये अच्छे तरीके से आलूओं पे कोटिंग हो चुका है। अब चाहे जैसे इनको तल करके तैयार कर लीजिए। तो आइए चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है फ्रेंड्स कि गैस का फ्लेम हमें कैसा रखना है, किस टाइप के ऑयल में डालना है। तो यहाँ पर व्रत में जो ऑयल आप खाते हैं वो ऑयल ले लीजिए और उसको खूब अच्छे से गर्म कर लीजिए। बिल्कुल हाई फ्लेम पर इनको हमें तल करके तैयार करना है। तो ये एक प्रकार के फिंगर चिप्स ही हैं फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया डिलीशियस, मतलब इतना टेस्टी ये आलू बन करके तैयार होता है कि इसे बस जो खाएगा बस खाता ही चला जाएगा, एक ही व्यक्ति पूरी प्लेट साफ कर देगा, ये दावा है मेरा। तो इन्हें हल्का सा, मतलब शुरुआत में आप अलग कर लीजिए किसी चाकू या चम्मच से, क्योंकि शुरुआत में अगर ये चिपक गए तो फिर नहीं छूटेंगे और अगर नहीं चिपके शुरुआत में तो फिर ये चिपक भी नहीं सकते। तो शुरुआत में थोड़ा अलग अलग कर लेंगे, इसके बाद में इन्हें आराम से पकने देंगे, ये खूब अच्छे तरीके से पक के तैयार हो जाएंगे। और एक बार जब ये सेट हो जाते हैं तो अपने आप सब अलग अलग रहते हैं और तब हम इन्हें टर्न कर लेंगे दूसरे साइड में। तो एक साइड से अच्छे से पक जाएंगे तब हम इन्हें दूसरे साइड में घुमा देंगे और बहुत ज़्यादा इन्हें चलाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही बहुत जल्दी पक करके तैयार हो जाते हैं। तो हाई फ्लेम पे तलते हैं तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा लजीज बन के तैयार होते हैं। तो इस तरीके से ये रेसिपी आप भी फ्रेंड्स बना के तैयार करिएगा, इन नवरात्रि ज़रूर बना के खाइएगा और जिसको भी खिलाएंगे बहुत तारीफ़ करेगा आपकी, बहुत ज़्यादा डिलीशियस ये रेसिपी है। तो फ्रेंड्स ट्रेडिशनल रेसिपीज़ खा खा के अगर बोर हो गए, थोड़ा अच्छा कुछ खाना चाहते हैं तो इस तरीके से खाइए। ये चाय के साथ, सॉस के साथ, चाहे जिसके साथ खाइए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो दूसरे बैच को भी हम डाल करके फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करिएगा और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही और नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए। तो दूसरे बैच को भी डाल देंगे और दूर दूर डालेंगे और शुरुआत में हल्का सा चाकू या स्पून की हेल्प से हम इसे दूर दूर कर लेंगे। इसके बाद में जब एक बार ये सेट हो जाएंगे तो आराम से घुमाते हुए इनको तल लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा चलाते नहीं रहना है, एक ही बार टर्न करना है फिर दोबारा टर्न करना है। तो बहुत ज़्यादा मत चलाइएगा, बस दो तीन बातों का ध्यान रखिए, बाकी रेसिपी बहुत फंटेस्टिक है, बहुत ही डिलीशियस है। इसे बनाकर ज़रूर खाइएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि हमारी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। सेकेंड बैच भी रेडी है, इससे निकाल लेते हैं बाहर। देखिए कितना ज़्यादा डिलीशियस आलू लग रहा है, मतलब इसके ऊपर जो साबूदाना की कोटिंग है ना, इतना डिलीशियस फ्लेवर आ रहा है, एक बार बना के ज़रूर खाइएगा। तो मुंह में जब घुलता है ना कि तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही बढ़िया रेसिपी है। तो फ्रेंड्स इससे भी निकाल लेंगे हम अलग और तीसरे बैच को भी निकाल लेंगे बहुत ही जल्दी जल्दी। बस एक बार जब कढ़ाई गर्म हो जाती है तो बहुत जल्दी जल्दी ये तल करके तैयार हो जाते हैं। तो फटाफट से बनने वाली ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। अब यहाँ पे सभी फ्रेंच फ्राई हमारे बन करके तैयार हैं, तो ये व्रत वाले स्पेशल फ्रेंच फ्राई बना करके ज़रूर खाइएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स इसे मैं चाय के साथ खाऊंगी, आप किस चीज़ के साथ खाना पसंद करेंगे कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। और एक बार इसका टेक्स्चर देखिए कितना ही लाजवाब है। तो फ्रेंड्स मैं इसका टेस्ट लेती हूँ चाय के साथ, आप भी ज़रूर बनाइएगा। तो मैं फिर मिलूंगी आपको एक नई रेसिपी में, एक नए वीडियो के साथ में। तब तक फ्रेंड्स अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।